हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस कंपनी के बारे में। इस स्टॉक में काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक चल रहा है। इस स्टॉक को हम अपना पोर्टफोलियो में अभी के टाइम पे बाय करना है या तो कौन सा लेवल पे हमें बाय करना चाहिए? अगर हमारा पोर्टफोलियो में अगर पहले से है तो उनको होल्ड करना चाहिए या तो फिर एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन रेंज पे ये स्टॉक चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में वो स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। वो स्टॉक को भी आप खुद एनालिसिस करके उसको अगर अपना पोर्टफोलियो में लेते हैं तो बढ़िया सा गेन आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था NMDC के बारे में। अगर आपने स्टॉक उस टाइम पे अगर देख के अगर अपना पोर्टफोलियो में लिए होते, अभी के टाइम पे भी आप बढ़िया सा प्रॉफिट में होते। ठीक है, जब से वीडियो बनाया उसके बाद में यहाँ पे 15% का एक गेन आ चुका है। ठीक है, काफी सारा स्टॉक है, इससे एक स्टॉक नहीं, काफी सारा स्टॉक है। ठीक है, अभी आज एक भाई का भी क्वेश्चन था, ये किर्लोस्कर फेरोस स्टॉक में क्या करेंगे, स्टॉक का रिजल्ट खराब आ गया। भाई, कोई एक स्टॉक का रिजल्ट अगर खराब आ जाता है ना, इमीडिएटली आप रिएक्ट मत कीजिए। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी होता है, आपने देखा होगा मार्केट में रिजल्ट खराब आने के बावजूद भी स्टॉक फिर आगे की प्रिडिक्शन देख के फिर स्टॉक ऑल टाइम हाई भी अचीव कर लेता है स्टॉक प्राइस। ठीक है, तो इसीलिए इमीडिएटली आप रिएक्ट मत कीजिए, रिजल्ट इमीडिएटली आता है, रिएक्ट मत कीजिए। ठीक है, इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट खराब आया, नेक्स्ट क्वार्टर में सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक क्वार्टर रिजल्ट को देख के हमने कोई कंपनी को एनालाइज करके अपना पोर्टफोलियो में नहीं लिए। ठीक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, तो ये स्टॉक में आपको बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना टारगेट अचीव हो ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक वीडियो में बना के यहाँ पे बताया था, ये लाल पतला है, काफी सारा वीडियो है। ठीक है, लाल पतला में मैंने बताया था ये स्टॉक बहुत बेहतरीन स्टॉक है, अपना पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। जहाँ पे स्टॉक नीचे गिरते जा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था। ठीक है, तो ये सब वीडियो आपको अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर बेल बटन को भी प्रेस करके रखते हैं, इमीडिएटली आपको वीडियो मिलता है, उसी टाइम पे आपको बढ़िया बढ़िया स्टॉक लेके चलना है। मैंने वहाँ पे प्रिंस पाइप का भी बताया था स्विंग ट्रेड के लिए, ये भी अभी नियरेस्ट है ऑल टाइम, मतलब यहाँ पे इसका टारगेट करीबन चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो को जरूर वॉच करना चाहिए। अभी चलिए, आज के दिन में यहाँ पे इंद्रप्रस्थ का भी वीडियो डाला हुआ है, तो जरूर जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मुथूट कैप के बारे में, मुथूट कैप एक लार्ज कैप स्टॉक है जो कि 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। अगर इसी हिसाब से देखेंगे स्टॉक का पी, देखिए ओनली 14 पे स्टॉक का पी ट्रेडिंग हो रहा है। अगर हम आरओसी की बात करेंगे 15.8 आरओसी है, प्रमोटर का होल्डिंग बेहतरीन है जो कि 73.4% का प्रमोटर का होल्डिंग है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे यहाँ पे 1723 ऑल टाइम हाई है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 1422 पे। ठीक है, बुक वैल्यू की अगर बात करेंगे 408 है, तो यहाँ पे अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो ये बेहतरीन एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, बहुत बढ़िया सा डिविडेंड यील्ड देता है, 1.4% का डिविडेंड यील्ड है। अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे फेस वैल्यू 10 है, अभी तक यहाँ पे स्प्लिट भी नहीं हुआ है इस स्टॉक में, लास्ट ईयर में ऐसा न्यूज था स्प्लिट होगा लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ था। अगर हम इसी हिसाब से इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट अभी 2830 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे दिसंबर 2018 में यहाँ पे 1770 करोड़ का 1717 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला था। सेल्स में बहुत बढ़िया सा इंप्रूवमेंट हमेशा हर एक क्वार्टर में होते जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सा इंप्रूवमेंट 1717 करोड़ से लेके अभी 2830 करोड़ तक हो चुका है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया से जंप किया है। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे डबल बिल्कुल हो चुका है। अगर हम दिसंबर 2018 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 485 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अभी अगर हम इसी हिसाब से देखते हैं सितंबर 2021 को, यहाँ पे 994 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है, मतलब बिल्कुल डबल हो चुका है। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से अगर हम लास्ट चार क्वार्टर का भी बात करेंगे, यहाँ पे 3952 करोड़ का यहाँ पे लास्ट चार क्वार्टर में नेट प्रॉफिट निकल करके आया है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे 11,133 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। सेल्स भी आप अगर देखेंगे यहाँ पे 11 साल में यहाँ पे 11 टाइम्स ग्रो हो चुका है सेल्स में। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट 228 करोड़ से लेके अभी 3952 करोड़ का हो चुका है, एक बेहतरीन एक ट्रिमेंडियस रिटर्न यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है कंपनी ने। अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में आके, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में 15,971 करोड़ का अभी रिजर्व देखने को मिला है, बहुत बढ़िया एक नंबर है। इसी हिसाब से आप अगर देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग जो कि सबसे बेहतरीन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है, 73% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है।
अगर हम देखेंगे ये स्टॉक में एफआई के पास में 13% का होल्डिंग है, अगर डीआई की बात करेंगे यहाँ पे 8.48% डीआई के पास में होल्डिंग है, बट पब्लिक के पास में ओनली 4.48% का होल्डिंग है, जो कि बहुत बड़ा मल्टीवैगर स्टॉक है फ्रेंड्स। ये अपना पब्लिक के पास में ये स्टॉक ऐसा स्टॉक होना ही चाहिए। अगर आप इस स्टॉक का 10 साल का भी रिटर्न देखेंगे, यहाँ पे 10 साल में 23% का सीजीआर रिटर्न दिया है, 5 साल में 33% का सीजीआर रिटर्न दिया है, यहाँ पे अगर 1 साल की बात करेंगे यहाँ पे 22% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक में, अगर आज के दिन का भी हम कारोबार देखेंगे ये स्टॉक में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया एक बार देख सकते हैं फ्रेंड्स। आज के दिन का अगर हम इसमें कारोबार देखेंगे, यहाँ पे 11,60,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, 5,36,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 46% का डिलीवरी है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट की बात करेंगे, अभी तक रिजल्ट का डेट पब्लिश यहाँ पे नहीं हुआ है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में अगर किसी के पोर्टफोलियो में नहीं है फ्रेंड्स, ये स्टॉक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा मल्टीवैगर स्टॉक है, ठीक है। कुछ दिन तक भले कंसोलिडेशन चलता है, लेकिन स्टॉक जब भागता है ना, बहुत जबरदस्त तेजी से भागता है। आप अगर देखेंगे यहाँ तक कोविड के बाद में, कोविड में इसका यहाँ पे 492 था, देखिए यहाँ पे स्टॉक प्राइस यहाँ पे 492 था, ठीक है, 492-500 के पास में था। तो उसके बाद में स्टॉक यहाँ पे 1500 लेवल तक जा चुका था, ठीक है ना, 1500 यहाँ पे 1700 लेवल तक जा चुका था, मतलब स्टॉक कितना बड़ा रिटर्न दे चुका था एक बार देखिए जरूर। ये लेवल से लेके, इसका लोएस्ट लेवल से लेके अगर हम इसका हाईएस्ट लेवल की बात करेंगे, 600 डेज में स्टॉक ने यहाँ पे रिटर्न दिया था 253% का रिटर्न दिया था। जब स्टॉक इतना बड़ा रिटर्न देता है, उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे कितना दिन से कंसोलिडेशन है, ये जो रेंज है ना अभी यहाँ पे 1424 का जो रेंज है, ये रेंज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जून में वही रेंज था, वही मतलब एक यहाँ पे कितना दिन से कंसोलिडेशन में चल रहा है, 247 डेज हो चुका है ये कंसोलिडेशन, ठीक है। मुझे लगता है फ्रेंड्स ये स्टॉक में आपको इमीडिएटली यहाँ पे पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में और बजाज फाइनेंस स्टॉक में, मैंने एक चीज आपको बताया, ये स्टॉक में और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब स्टॉक में जब स्टॉक गिरता है ना, 200 मूविंग एवरेज के पास में आ जाता है, ब्लू चिप स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, इस स्टॉक में इमीडिएटली आपको पोजीशन लेना है, कोई किसी को बताएगा नहीं, आप खुद अपने खुद का एनालिसिस एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। ये स्टॉक को देखिए, बजाज फाइनेंस को देखिए, बजाज फिनसर्व को देखिए, ठीक है, रिलायंस को देखिए, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए, ये सब क्वालिटी स्टॉक है। ये सब स्टॉक में किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से आपको पेड मेंबरशिप लेने की भी जरूरत नहीं है, ये क्वालिटी स्टॉक में अगर इसी हिसाब से इसी टाइम पे अगर बाय करेंगे, 200 मूविंग एवरेज के पास में बाय कर लेंगे, अगर लॉन्ग टर्म में भी आप होल्ड करके रख लेंगे, अपना पोर्टफोलियो में 25-30% का सीजर जरूर मिल जाएगा, किसी से कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, यहाँ पे बजाज फाइनेंस हुआ, बजाज फिनसर्व हुआ, आपको 30% सीजर जरूर मिल जाएगा, ऐसा 200 मूविंग एवरेज के पास में आपको बाय करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है, यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है, जहाँ पे यहाँ पे अगर कोई बाय करता है उसको कभी लॉस होता ही क्या, यहाँ पे देख लीजिए, ये थर्ड टाइम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसने भी बाय किया उसको लॉस हुआ है क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं। तो ऐसा ही सिचुएशन है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, ये आपको एक बेहतरीन मौका दे रहा है, ठीक है। ऐसा ही टाइम पे आपको बाय करना है, ये स्टॉक को आपको अपना पोर्टफोलियो में लेके चलना है, लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सा करेक्शन के बावजूद यहाँ पे 23% का सीजीआर रिटर्न दे रहा है, क्या जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अगर इसी हिसाब से आप अगर ये जगह पे बाय करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 23 नहीं, आपको 30% रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। फिर भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे 20% का रिटर्न के हिसाब से कितना हमारा पोर्टफोलियो ग्रो होता है, एक बार जरूर हम चेक करना चाहेंगे, यहाँ पे ग्रो एसआईपी में चले जाएंगे। तो अगर आप टेंशन बिल्कुल लेना नहीं चाहते हैं, तो आप अगर स्टॉक मार्केट में ऐसे एसआईपी करना चाहते हैं, यहाँ पे सपोज आपने लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका जो रिटर्न है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 23% का सीजीआर रिटर्न दिखा रहा है ना, इतना बड़ा करेक्शन के बावजूद में अगर आपने यहाँ पे 23% का सीजीआर रिटर्न आपका एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसके साथ में अगर 10 ईयर्स आप लेके चलते हैं, आपका यहाँ पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आप करके चलते हैं स्टॉक में, ठीक है, आपका 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट आप इस स्टॉक में कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे अगर 10 ईयर्स का आपने टाइम पीरियड लिया है, 10 ईयर्स में आपका मैच्योरिटी टोटल हो रहा है 7,92,000 हो रहा है, ठीक है। अगर 10 ईयर्स के जगह में अगर आप 20 ईयर ले लेते हैं, ठीक है, 20 ईयर में आपका कितना अमाउंट बन रहा है, देखिए 62 लाख बन रहा है,
एक बेहतरीन गेन है इसको, और क्या बोल सकते हैं, इससे ज्यादा और बनेगा, इससे बहुत 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 ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा स्टॉक में अगर आपको टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल बिंदास इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी आप कीजिए, बिंदास कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप बाई कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक आ जाएगा, उसके बाद में सेल कर लीजिए। यहाँ पे आप बाई कर लीजिए, यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक आ जाएगा, उसके बाद में सेल कर लीजिए। अगर आपके पास में टाइम है तो आपको 21% का गेन मिल रहा है। ये कितना दिन लगेगा, इतना दिन से जब कंसोलिडेशन चल रहा है कितना दिन लगेगा? मुझे तो लगता है ये स्टॉक में जो ये 21% का गेन आपको 6 मंथ्स में कवर हो सकता है। अगर 6 मंथ्स में आपका 21% का गेन है, अगर फिर भी आपको इस हिसाब से अगर पता चल रहा है कि आपको 40% का साल में नहीं मिलता है, 30% का गेन मिलता है, ठीक है, स्विंग ट्रेड करके अगर 30% का गेन मिलता है, अगर 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, 20 ईयर्स में आपको कितना फंड आपका मिल रहा है, देखिए 1 करोड़ 90 लाख आपका हो सकता है। लेकिन ऐसे फ्री में नहीं होगा फ्रेंड्स, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत जब नहीं करेंगे तो नहीं बन सकता है ये अमाउंट आपका, नहीं बन सकता है, क्योंकि आपको उसी टाइम पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में बाई करना है, ऑल टाइम हाई पे सेल करना है, और सारे ब्लू चिप स्टॉक में बाई करना है। इससे कोई गलत स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ ना जहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक है, जहाँ बिंदास बोलता हूँ बाई करके चलो, उस स्टॉक में बाई करना है। अभी आपको बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सब ब्लू चिप स्टॉक है। पीआई इंडस्ट्रीज हुआ, यहाँ पे आपका एबॉट इंडिया हुआ, ये सब क्वालिटी स्टॉक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे IGL हुआ, ये सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब स्मॉल कैप नहीं, ये सब लार्ज कैप स्टॉक है। ये स्टॉक में आप बिंदास इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आपको डर लग रहा है स्टॉक मार्केट में तो, ठीक है। अगर अभी तक आपका पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर विजिट कीजिए। वहां पे जाके जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, जीरोधा का लिंक से आप जरूर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप आके जरूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई इसमें बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है जरूर आप अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में कोई अभी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर RSI की लेवल भी बात करेंगे, RSI भी 39 पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो को फ्रेंड्स जरूर डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे, अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखेंगे तो कुछ भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा पोर्टफोलियो को जरूर आप डाइवर्सिफिकेशन रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है। आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।